जिसने आप लोगों को दिया ना टेस्ट में, वो कुछ यूं था। यहाँ पे देखे, फ्रांसिस बेकन मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन नॉलेज। सबसे पहला जो आपका कीवर्ड आएगा यहाँ पे वो है जनाब आपकी ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, ठीक हो गया। दूसरा ह्यूमन नॉलेज, इसको अंडरलाइन करते हैं आप। जब आप एक दफा अंडरलाइन कर लेते हैं तो यकीन करें बहुत अच्छा आंसर बनता है। उसके बाद बाय इंसिस्टिंग दैट द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज शुड बी एम्ड एट एड्रेसिंग द अफेयर्स ऑफ मंडेन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। वो कहता है ये जो प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज है इसको क्या होना चाहिए, ये एम होना चाहिए कि वो एड्रेस करे किसको, मंडेन ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, ठीक है। लाइक जैसे मैं आपको कहती हूँ ना कि व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर टूडेज लाइफ, प्रूव और रिफ्यूट द आइडिया बाय रेफरिंग टू एसेज इन योर सिलेबस, ठीक है। सबसे पहले उसकी कंट्रीब्यूशन नंबर वन, ठीक है। नंबर टू ह्यूमन नॉलेज कंट्रीब्यूशन, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी ह्यूमन नॉलेज के बारे में, मतलब लाइक कोट्स दी हुई थी और कोट्स को ना एज अ कोट एक्सप्लेन किया हुआ था, एज क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन किया हुआ था। सिवाय मतलब मलिहा का मुझे आंसर बहुत अच्छा लगा, मलिहा का बहुत आउटस्टैंडिंग आंसर था, ठीक है। मुझे मलिहा की मतलब ओवरऑल मुझे जो सही वाला जो लगा ना, मलिहा ने हर चीज मतलब उसने हर कोट को मोल्ड किया हुआ था किस चीज के ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर। ये देखें, ठीक है, आप कोट्स लिखते हैं उसको अपने लफ्जों में बयान कर, आपसे कोई ये नहीं कह रहा जी आप बेकन की कोट्स लिखे उसको अपने लफ्जों में बयान करें। लेकिन बेटा एमए इंग्लिश लिटरेचर में सप्लीज इसी वजह से आती है कि इररिलेवेंट लिख देते हैं आप लोग। आप देखें ये सारी कोट्स मुझे पता है आप सारों को रटी हुई हैं, आप सबको ये भी पता है, अच्छा जी ये कोट्स बेकन की, वो उसका बेसिक आइडिया मेन आइडिया वो ये था। लेकिन उस आइडिया को, ये जो आपको मैंने कल क्वेश्चन दिया था, मैं सीधा सीधा आपको बेकन का प्रो स्टाइल भी दे सकती थी, मैं आपको कोई एक आध वो भी दे देती, ऐसे भी दे देती, क्यों नहीं दिया। द रीजन इज दैट कि मैं देखना चाहती थी स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे मोल्ड करते हैं कोट्स नहीं करते। उसमें हार्डली मलिहा ने किया हुआ था और क्या नाम है फरा ने किया हुआ था और सबिया आपका भी आंसर अच्छा था, लेकिन वो जो कोर्स वाली मोल्डिंग थी ना वो वाली मजे की नहीं थी। आपको इसके साथ जो है ना वो करना, तो उसमें जो मुझे आउटस्टैंडिंग सबसे अच्छा जो आंसर लगा वो मुझे सबसे अच्छा मलिहा का लगा। मलिहा ने बहुत जबरदस्त, मलिहा का जरा टेस्ट देखिएगा, मलिहा ने बहुत जबरदस्त उसको वो किया हुआ था, मोल्ड किया था, स्पेशली उसका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था। इंट्रोडक्शन आपका बता देता है स्टूडेंट को क्वेश्चन की समझ आई है कि नहीं आई, ठीक है। जब आप शुरू में एक स्टूडेंट ने क्या किया हुआ था, शुरू में एक स्टेटमेंट देके बेकन के बारे में और उसने नीचे कोट लिख दी, ऐसा भी नहीं करना, ऐसा कभी भी नहीं करना। इसका मतलब ये है कि आपने क्रैमिंग की है और आप खुद नहीं लिख सकते। पहला जो इम्प्रेशन है दैट शुड बी रिलेटेड टू योर दिस क्वेश्चन, बस कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा और अब मैं क्या बताने जा रही हूँ, यानी कि मैं अब आंसर देने जा रही हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल देखें, आज मेरा टॉपिक है एडवर्ड सैड की बायोग्राफी, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाना है। अब मैं आपको कहूँ जी मैं एडवर्ड सैड की बायोग्राफी बताने जा रही हूँ और शुरू में कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म शुरू कर दूं, तो आप लोग एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ने टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है बायोग्राफी और नीचे मैम कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, हालांकि उसी का ऐसे, लेकिन मैम वो पढ़ाने लग गई हैं। तो ये तो बेटा वही चीज हो गई ना, ऑल दो हर चीज आपस में इंटर रिलेट होती है, सी द क्वेश्चन पूछा क्या है। अब देखिए मैंने कितने सारे की पॉइंट्स इसमें अंडरलाइन किए, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन थी उसकी, किसको किसकी तरफ, ह्यूमन नॉलेज की तरफ। अब उसका जो ह्यूमन नॉलेज था पता नहीं किस स्टूडेंट ने, सबीहा ने शायद लिखा हुआ था कि उसका रिलेशन टू ह्यूमन टू गॉड, ठीक है, ह्यूमन टू मैन टू आई थिंक समथिंग इस तरह से, वो जो मैंने पॉइंट्स लिखाए लिखवाए थे सबिया ने, माशाल्लाह वो भी ऐड किए हुए थे, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सबिया ने बड़े गौर से लेक्चर सुना हुआ है तो सबिया ने ये ऐड कर दिया, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स कि आपने बताना है उसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी ह्यूमन नॉलेज में और उसने क्या क्या इंसिस्ट किया था। उसने कहा था ये प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज शुड बी एम एंड एड्रेसिंग द फियर ऑफ मंडेन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये जो मंडेन ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, हमारा जितना भी प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज है दैट नॉलेज शुड नॉट बी ऑफ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज,
knowledge should be the sake of production and welfare of human being, human existence. वो यही बात करता है ना, वो कहता है साइंस का उस वक्त तक कोई फायदा नहीं है अगर तो साइंस जो है वो आपको मतलब अगर इंसान की एग्जिस्टेंस को बेहतर नहीं बना सकती, ठीक है, अगर वो इंसान की ये है ना ह्यूमन मंडेन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, अगर हमारा नॉलेज किसी की बेहतरी के लिए या हमारी लाइफ की बेहतरी के लिए काम नहीं कर सकता फिर उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स के लिए हलाकत है, यानी कि वो शख्स बर्बाद हुआ जिसका आज का दिन कल के दिन से बेहतर नहीं है. ठीक है, अगर तो मेरा आज का दिन कल के दिन से बेहतर नहीं है तो इट मीन्स के मैं हलाकत की तरफ जा रही हूँ. अब जरा इसको थोड़ा सा देखें, अगर मेरे फॉर एग्जांपल कल मैंने, चले हम इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से देखते हैं या दुनियावी लिहाज से देखते हैं, कल मैंने जी पढ़ा, दो पैराग्राफ पढ़ लिए और बड़े अच्छे समझ आ गए लेकिन आज नहीं समझ आई, कल मैंने पूरी तफसीर कर ली लेकिन आज नमाजों से भी चली गई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ऐसा शख्स जो उसके लिए हलाकत है जिसका आज का दिन कल से बेहतर नहीं. तो थिंक अबाउट योर लाइफ कि मेरा जो नॉलेज है वो मेरी लाइफ को प्रोडक्टिव बना रहा है, बेहतर बना रहा है. देखिए बेटा, मैं कल मैंने आपको एक छोटा सा शेयर किया था उसका, कासिम अली शाह का, उसने क्या कहा था, वो नमाज वाला, वो जो कहता है कि वो जी गाड़ी चलानी भी आपने ही सिखानी है, वो ड्राइवर लेकिन गाड़ी आपने चलाना सिखानी है. वो कहता है जी मैं नमाज भी पढ़ूंगा और मैं ये भी करूंगा लेकिन गाड़ी मुझे आपने चलाना, हालांकि था वो ड्राइवर. तो खाली इबादत नहीं करनी होती, जो काम आपको टास्क दिया गया है आपने वो भी पूरा करना है. तो बी अ प्रोडक्टिव मुस्लिम, दुनिया को ये मत तो जो है इमेज दें कि हम लोग अगर दीन को फॉलो करते हैं तो हम दुनियावी तौर पे बिल्कुल पीछे हो जाते हैं. मुझे मेरा स्टूडेंट जो है हर हाल में परफेक्ट चाहिए, ठीक है, मुझे मेरा स्टूडेंट दुनियावी लिहाज से भी बहुत आगे चाहिए, दीनी लिहाज से भी बहुत आगे चाहिए, उसका अल्लाह के साथ भी ताल्लुक होना चाहिए, उसका दुनिया के लोगों के साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुक होना चाहिए. और ये बात हमें हमारा दीन सिखाता है. देखिए मैंने आपको एक हदीस बताई है और ये दुनियावी लिहाज से और दीनी लिहाज से दोनों में बहुत अच्छी फिट होती है कि वो इंसान हलाक हुआ जिसका आज का दिन कल के दिन से बेहतर, यानी कि गुजरे हुए कल के दिन से अगर मेरा आज का दिन बेहतर नहीं है तो मैं हलाकत की तरफ जा रही हूँ, मैं तबाही की तरफ जा रही हूँ. यही पार बेकन कह रहा है कि जनाब आपका जो प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज है उसको एम होना चाहिए एड्रेसिंग द अफेयर्स ऑफ मंडेन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, की जो मंडेन ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, यानी कि ये जो हमें लगता है कि हमारी ये जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, जो कि फॉर मतलब ऐसे ही चल रही है, अगर मेरा नॉलेज इस किसी को कुछ दे नहीं सकता, उसकी फायदे के लिए कुछ कर नहीं सकता, तो फिर ऐसे नॉलेज का कोई फायदा नहीं. ठीक है, तो उसने बेसिकली ये बात की थी कि ये जो नॉलेज है इसको किस लिए प्रमोट होना चाहिए, मंडेन ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए. ये थे बेटा जी इसके 3 की पॉइंट्स. सबसे पहले आपने उसकी कंट्रीब्यूशन लिखनी थी जिसमें आना था बेकन एज फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज राइटिंग. फिर उसका जो कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स द ह्यूमन नॉलेज आपने वो बतानी थी इसमें. ठीक है, वही कोर्स आनी थी लेकिन उसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना था टुवर्ड्स द आंसर. एनी क्वेश्चन?